कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार अशोक सिंह ने कहा, कांग्रेस ने एक आम कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजा है, पूरी कोशिश रहेगी कि जनता की आवाज उठाए। मध्य प्रदेश राज्यसभा उम्मीदवार घोषित होने के पश्चात कांग्रेस नेता अशोक सिंह विधानसभा पहुंचे। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया समेत अन्य विधायक उनके साथ मौजूद थे। अशोक सिंह ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए काफी बड़ा दिन है, क्योंकि कांग्रेस ने एक आम कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजा है। पूरी शिद्दत के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा। मैं हृदय से आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी और हमारे मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का हृदय से आभार, और हमारे प्रभारी भवन जितेंद्र सिंह जी और सबका हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक चुना है। एक छोटे से कार्यकर्ता को ये सम्मान दिया है, मेरा प्रयास होगा कि मैं उनकी उम्मीदों के अनुरूप काम कर सकूं। देश की आज़ादी से आज तक कभी किसी सरकार या किसी व्यवस्था के खिलाफ और खासकर आर्थिक चंदे राजनीतिक पार्टियों को मिले, इस व्यवस्था के खिलाफ इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का कोई मैंडेट या कोई निर्णय नहीं आया है। मैं मानता हूं कि देश के सामने पहला चेहरा नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का आया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अरबों खरबों रुपए लिए, जो सबसे ज्यादा है, सब पार्टियों से 100 गुना ज्यादा है, वो अपने आप में करप्शन का एक पर्याय था। देश में जब सरकार बनी थी, करप्शन के अगेंस्ट, काले धन के अगेंस्ट नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार रहित सरकार की बात की थी। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार देश की सरकार ने आम जनता की आंखों के सामने किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। हम सब ने अशोक सिंह जी के नामांकन से सभी केंद्रित नेतृत्व को आभार व्यक्त करते हैं और आने वाले संघर्ष के लिए एक हमारे लिए चंबल में एक अच्छा सिपाही नेता मिल गया है और उस हिसाब से हम लोग आगे और बढ़ेंगे। हमारे बीच के अपने बहुत ही कर्मठ साथी, जिनकी 3 पीढ़ी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से जुड़कर कांग्रेस पार्टी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं, ऐसे अशोक सिंह जी को राज्यसभा का उम्मीदवार हमारी पार्टी ने बनाया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि उनके निर्वाचन के बाद चंबल क्षेत्र में एक मजबूत साथी हमको मिलेगा, जिससे हम आगामी दिनों में लोकसभा में और आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ चंबल और ग्वालियर संभाग में काम करेंगे। पुनः शीर्ष नेतृत्व का और मध्य प्रदेश के नेतृत्व का मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।